दोस्तों आज अपनी बात करेंगे मीन लगन में राहु का फल। मीन लगन की कुंडली में राहु आपके कौन से भाव में बैठा है? लगन भाव आपके खुद के घर में बैठा है तो आपको कैसा फल देगा? धन भाव परिवार भाव में बैठा तो परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी? उच्च का होकर वृषभ राशि में राहु उच्च का हो जाता है, मिथुन राशि में उच्च का हो जाता है, वहीं धन और वृश्चिक में नीच का रहता है। उच्च का होकर राहु तीसरे पराक्रम भाव में बैठकर कैसा आपका पराक्रम बनाएगा, कैसा आपका मेहनत करवाएगा? चतुर्थ स्थान में राहु आपको कैसा फल देगा? पंचम भाव कर्क राशि का राहु आपको मन की स्थिति का राहु आपको कैसा फल देगा? छठे भाव में सिंह राशि का राहु कैसा फल देगा? कन्या राशि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में डेली रूटीन लाइफ में आपको राहु कैसा फल देगा? अष्टम भाव ससुराल पक्ष से आपको राहु कैसा फल देगा? भाग्य भाव में भाग्य की कैसी तरक्की करेगा? दसम भाव करियर प्रोफेशन में आपको राहु कैसा फल देगा? लाभ भाव में लाभ कैसा करवाएगा? और बारहवें भाव विदेश भाव में राहु विदेश के भ्रमण करवाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखना स्वग्रह राहु कन्या राशि का होता है लेकिन इस कुंडली में सप्तम भाव में राहु अच्छा फल नहीं देता है। 1, 4, 7, 9, 12 मीन लगन की कुंडली में पहले भाव में राहु हो मीन राशि का राहु अच्छा फल नहीं देता। चतुर्थ भाव उच्च का है लेकिन चतुर्थ भाव में राहु मन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब करता है, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा रिजल्ट आपको राहु नहीं देता है। नीच का राहु होकर नवम भाव भाग्य भाव में बैठा है, आप गंगा स्नान करते हो तो राहु आपको ठीक ठाक फल देगा, नहीं तो बहुत बुरे फल देता है। और 12th हाउस में राहु आपको अच्छा फल नहीं देगा। अब बात करते हैं राहु देखिए सूर्य राहु के साथ हो अगर आप तो सूर्य को दूषित कर देता है और ग्रहण दोष बनाता है, वहीं चंद्र राहु के साथ हो तो चंद्र को दूषित करके चंद्र ग्रहण दोष बनाता है। बुध राहु के साथ युति हो तो बुध राहु जड़त्व दोष, बुद्धि भ्रमित होती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती है, राहु आपके अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा देता है। मंगल राहु अंगारक दोष, बहुत ज़्यादा गुस्सा तोड़ फोड़ मार काट मचा देता है जिसकी वजह से आपका मंगल भी पीड़ित। मंगल तो वैसे भी गुस्सेल और आक्रामक ग्रह है, उसके साथ राहु की युति होने से राहु और ज़्यादा आक्रामकता दे सकता है, एग्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा देता है। गुरु राहु चांडाल दोष, शुक्र राहु श्रापित, शनि राहु श्रापित दोष बनाता है, आपके कोई भी कर्म में रुकावट अड़चन बिना कोई काम नहीं बनता है, चार बार मेहनत करने के बाद ही उसके रिजल्ट निकल के आते हैं। शुक्र राहु 4, 8, 12 में बैठा हो चौथे भाव आठवें भाव और बारहवें भाव में शुक्र राहु की युति हो तो कामुक दोष बन सकता है, ऐसे लोगों में कामुकता काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन अन्य जगह पर हो तो नागमणि नामक राजयोग बनता है। अगर आपका राहु बहुत ज़्यादा परेशान, आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, राहु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, गोचर में चौथे भाव में सप्तम भाव में लगन भाव में नवम भाव में गोचर कर रहा हो तो ओम राम रव्य नमः का जाप करे। मीन लगन गुरुदेव की राशि, गुरुदेव की कुंडली है, मीन लगन गुरु जुपिटर की कुंडली है इसलिए गोमेद वर्जित है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की कुंडली में गोमेद भूल से न पहने, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की कुंडली में पाप ग्रहों का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। राहु सबसे ज़्यादा पापित ग्रह है, राहु आपको अच्छे फल तभी देता है जब आप उसके ओम राम रव्य नमः का जाप करते हो या गंगा स्नान करते हो। इस कुंडली के अंदर गोमेद न पहने, अगर गोमेद आपका उच्च का हो तब भी आपको सोच समझ कर पहनना है, अगर पहनते हो तो साथ में ओम राम रव्य नमः का जाप जरूर करें। अब सारी चीज़ें आपको लगन से लेके बारहवें भाव तक मैं मीन लगन की कुंडली में बताने वाला हूँ। आपको इतनी जानकारी जो दी वो आप अपने ऊपर लागू करके देखिए आपको कैसा लग रहा है, क्या आपके साथ ऐसा होता है। देखिए राहु जब भी आपको अप एंड डाउन देता है बहुत जल्दी जल्दी अचानक से रिजल्ट देता है, जैसे आपका रिजल्ट आने वाला हो अचानक से आपके रिजल्ट आपको उम्मीद ना हो और आप पास हो जाते हो, जैसे मान लो कोई काम नहीं बन रहा हो अचानक से आपको फ़ोन आए कॉल आए कि आपका काम बन गया आपका काम हो गया, तो राहु के कारण ही ऐसा होता है। राहु की अच्छी स्थिति आपको बहुत अच्छा बना सकती है लेकिन राहु जब भी आपको पाप पीड़ित कर देता है, आपकी कुंडली को दूषित कर देता है तो आपके बने बनाए सारे काम को बिगाड़ के रख देता है। अब बात करेंगे राहु के लगन से लेके मीन लगन की कुंडली में 12 भाव तक फल। देखिए लगन मीन राशि के अंदर राहु लगन में हो, मीन राशि के अंदर राहु अपने आपको असमझ समझता है, अच्छा फल नहीं देता है। यहाँ पे लगन में आने से विदेश के योग तो बनाता है, भ्रमण तो करवाता है लेकिन आपका मन स्टेबल नहीं रहता है। यहाँ से राहु की पांचवी दृष्टि कर्क राशि पर पड़ती है, स्टडी में भी दिक्कत समस्या देता है आपको। यहाँ से राहु आपके सप्तम भाव में दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, डेली रूटीन लाइफ को डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा देता है। राहु यहाँ आपके नवी दृष्टि से देखता है तो आपके भाग्य भाव में रुकावट, क्योंकि नीच की राशि को देख रहा है और मीन राशि से देख रहा है, लगन से देख रहा है तो आपका भाग्य का सहारा आपको बहुत कम मिलता है। प्रथम केंद्र देख स्थान पर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो देख सुख और शांति और सुंदरता में कमी करेगा, देव गुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है इसलिए मान प्राप्त करने का विशेष साधन व उपाय करेगा। जितना ज़्यादा मंत्र साधना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा राहु का मंत्र पढ़ोगे उतना ज़्यादा इस कुंडली में आपको फायदा जरूर करेगा।
और राहु आपको बड़ी बड़ी सफलताओं से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है, आप काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। लगन में बैठा राहु मीन राशि का राहु आपको थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर देता है। अब बात करेंगे राहु आपके सेकंड हाउस में धनभाव में बैठा तो आपको कैसा फल देगा। दूसरे धन भवन एवं कुटुंब स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा तो धन की संग्रह शक्ति के अभाव के कारण बड़ा भारी कष्ट अनुभव प्राप्त करना होगा। आपके धन की कमी रहेगी, धन को काफ़ी ज़्यादा संग्रह करने में इकट्ठा करने में दिक्कत समस्या होगी। लाख रुपए कमाओगे तो 1,10,000 का खर्चा रहेगा, क्योंकि दो बारह का संबंध बन सकता है। तो अस्पताल में खर्चा होना, वाहन पर खर्चा होना, अगर आप कोई वाहन खरीद रहे हो, राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आपका वाहन बार बार खराब हो सकता है, इसलिए अपने नाम से ना खरीद के परिवार के किसी सदस्य के नाम से खरीदे जिनकी कुंडली में राहु अच्छा हो, तभी आपको फायदा होगा। आप क्या करते हो, आप अपने नाम से वाहन तो खरीद लेते हो, दूसरे भाव का राहु बैठा आपका धन का भाव, आपका पंचम भाव को भी देखता है, सप्तम भाव को भी देखता है, दसम भाव को देखता है। तो पंचम भाव पर आपके पंचम भाव से छठे भाव को देखेगा पाँचवीं दृष्टि से, तो छठे भाव आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कंपटीशन से जोड़ देगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा, दिक्कत समस्या देगा। क्या देगा, वाहन खरीदा धन से, अपने पैसों से, अपने इनकम से वाहन खराब हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत परेशानी होगी। अष्टम भाव बहुत बार बार हेल्थ इश्यूज रहेंगे, और यहाँ से आपके दसम भाव कर्म भाव को देख रहे हैं तो आपका कर्म डिस्टर्ब होता रहेगा, जिससे आपको प्रोफेशन में भी मन नहीं लगेगा। तो देखिए गर्म ग्रह मंगल की राशि पर बैठे, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए महान कठिन गुप्त युक्ति के द्वारा सफलता शक्ति पाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही रिजल्ट अच्छे मिलने देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक स्वभाव के कारण कभी कभी धन की तरफ से महान चिंता व कठिनाइयों का मार्ग, धन की वृद्धि और शक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेगी, उसी के बाद आपके पास धन आएगा। अब बताने जा रहा हूँ तीसरे भाव में पराक्रम भाव में वृषभ राशि का उच्च का राहु आपको कैसा रिजल्ट देगा। तीसरे घर में पाप ग्रह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह का दाता हो जाता है, ऊपर से उच्च का हो जाता है, तो राहु और ज़्यादा अच्छे फल देगा। सोशल नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा, बिजनेस में बढ़ोतरी देगा, डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरे भाई हैं पराक्रम स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा, तीसरे स्थान पर क्रूर के शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है, इसलिए पराक्रम स्थान में बड़ी शक्ति प्राप्त करेगा। राहु के स्वाभाविक गुण के कारण कभी कभी भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी रहेगी, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बनते हैं। बाकी ओवरऑल डेली रूटीन लाइफ से काफ़ी अच्छा राहु आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बिजनेस में बढ़ोतरी करवाएगा, ऐसे लोगों को बिजनेस करने चाहिए। राहु यहाँ पर आप अगर बिजनेस करते हो, तेल लोहा शनि से रिलेटेड बिजनेस करते हो तो चार गुना ज़्यादा बेनिफिट करवाएगा, शनि ग्रह से रिलेटेड बिजनेस करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करवाएगा। चौथे स्थान में राहु आपको कैसा फल देगा वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में कुछ का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा तो भूमि मकान आदि का सुख शक्ति पाएगा, माता के स्थान में विशेष प्रभाव प्राप्त करेगा, लेकिन राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण मन में काफ़ी अशांति रहेगी, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में दिक्कत समस्या होगी, प्रॉपर्टी अपने नाम से लेते हो तो वहाँ पर वास्तु दोष लगेगा तो दिक्कत समस्या ज़्यादा होगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, हर तरह से परेशानियाँ बढ़ेगी, इसलिए अपने नाम से न खरीदें। यहाँ से पंचम भाव से अष्टम भाव को देखता है तो अचानक खर्चों का योग बनेगा, अचानक एक्सीडेंट्स के योग बनेंगे। यहाँ से सप्तम भाव से कर्म भाव को देखता है तो कर्म काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, यहाँ से बारहवें भाव को देखता है तो आपके काफ़ी ज़्यादा खर्च रहेगा, तो अपने नाम से न लगे, किसी घर के अन्य सदस्य के नाम से घर ले लें। अब पंचम भाव का राहु कर्क राशि का राहु आपको कैसा फल देगा। देखिए कर्क राशि का फल पांचवें त्रिकोण विद्या में संतान स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा तो विद्या ग्रहण करने के लिए मार्ग में परेशानी रहेगी, बार बार अड़चने आएगी, पूरी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, दो बार स्टडी में ब्रेक लग सकता है, फेल हो सकते हो, मन नहीं लगेगा, अप एंड डाउन्स रहेंगे, दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राहु की पांचवी दृष्टि आपके वृश्चिक राशि इनीस की राशि भाग्य साथ नहीं रहेगा, भाग्य के सारे ना रहे, जितना भाग्य के सारे रहोगे उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको सहन करनी पड़ सकती हैं। यहाँ से रहो आपके सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखिएगा तो लाभ हर तरह से लाभ निकालने में कमी रहेगी, लाभ प्रॉफिट निकालने में बहुत दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से रहो आपके लगन को देख रहा है, मीन राशि को देख रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो आप आगे के भरोसे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ओम राम रावे नमक का जाप करना है, गंगा स्नान करना है, तभी फायदे होंगे। कर्क राशि क्योंकि यहाँ पर स्त्री राशि है तो आपको माँ गंगा का स्नान करने से राहु अगर महादशा अंतरदशा चल रही है तो सबसे बड़ी रेमेडी दे रहा हूँ, पंचम भाव इष्ट देव का भाव होता है, कर्क राशि स्त्री राशि है, राहु बैठा है मतलब गंगा स्नान करोगे इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत समस्या हो रही है
तो आपको गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आपको पैसों की तंगी है तो गंगा स्नान करना चाहिए। शेयर मार्केट में आपको घाटा हो रहा है तो गंगा स्नान करना चाहिए। अब गंगा जी तो आप वहाँ पे जा नहीं सकते, तो गंगा जी का पानी अपने पानी में मिलाकर नहाइए, आपको अगले ही दिन कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। यह मेरा 100-150 कुंडलियों पर प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है और उनको फ़ायदा हुआ है, इसीलिए इस चीज़ को आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ। क्योंकि पंचम भाव इष्ट भाव होता है, कर्क राशि स्त्री राशि है, यहाँ पर राहु देवगुरु राहु बैठा है और राहु गंगा जी के स्नान से उसके अशुभ प्रभाव में कमी आती है और शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होती है, और शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होती है तब राहु यहाँ पर आपका इष्ट देव बन जाता है, वो गंगा माता बन जाती है यहाँ पर इष्ट देव, बाकी चंद्रमा आपका इष्ट देव ध्यान रखे। अब बात करते हैं बाकी शिव जी की पूजा करने से भी राहु आपका शांत रहेगा। अब देखिए राहु अगर आपका मान लो छठे भाव में बैठा है तो कैसा फल देगा, छठे शत्रु स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो छठे स्थान पर क्रोध या शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है, इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा प्रभाव रखेगा। पॉलिटिक्स में जीत होने के योग बनेंगे, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं, सूर्य की स्थिति अगर अच्छी हुई तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। सूर्य शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सूर्य शनि की स्थिति अच्छी होने पर आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ से पांचवी दृष्टि प्रोफेशन हाउस पर देखेगा, प्रोफेशन हाउस में अपने जो कर्मचारी है नीचे उनसे जीत के आगे निकलेगा, प्रमोशन पे प्रमोशन पाएगा, हर तरह से बेनिफिट देगा। यहाँ से आपके बार भाव विदेश के योग बनाएगा, विदेश भ्रमण करने के योग भी बनेंगे। यहाँ से आपके धन भाव को देखेगा तो धन की संग्रह शक्ति काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगी। अब बात करते हैं राहु अगर सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव कन्या राशि पर बैठे तो कैसा फल देगा। राहु अगर आपका कन्या राशि सप्तम भाव सातवें केंद्र स्त्री और रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि में बैठे तो स्त्री स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, रोजमर्रा जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ रहेगी, जिसका यह में आठ डालोगे उस कार्य में आपको दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से पांचवी दृष्टि लाभ भाव को देख रहा है तो लाभ कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे, लाभ से आपको कोई ना कोई काम बनेंगे। यहाँ से सातवीं दृष्टि लगन को देख रहा है तो लगन में आपको कभी कभी अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा होंगे, महादशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से हाथ की मेहनत सातवीं दृष्टि नवी दृष्टि आपके हाथ की मेहनत पराक्रम भाव को देख रहा है, वृषभ राशि को उच्च की राशि को देख रहा है तो आपको जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकल के आ सकते हैं, लेकिन मेहनत खूब ज़्यादा करनी पड़ेगी। राहु की महादशा में कम से कम 6 साल राहु की महादशा अंतरदशा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यहाँ से राहु का अष्टम भाव का फल। देखिए अगर राहु आपका अष्टम भाव में बैठा है तो आपको कैसा फल देगा। आठवें आयु और मृत्यु तथा पुरातत्व स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो जीवन और आयु के संबंध में अनेक बार चिंताओं और कष्ट के कारण प्राप्त होंगे, डिप्रेशन का रोग प्राप्त हो सकता है। राहु की महादशा चल रही हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, हर तरफ से आपको दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अष्टम का राहु अच्छा फल नहीं देता है, गुप्त ज्ञान जरूर देगा, गुप्त विद्या जरूर देगा, तंत्र मंत्र जरूर सिखाएगा, लेकिन अष्टम भाव का राहु डिप्रेशन का भी चांस बनाता है, सुसाइडल पॉइंट भी बनाता है। अगर आप किसी से प्रेम संबंध बनाते हो राहु की अंतरदशा आएगी तो वो प्रेम संबंध टूट जाएगा और आपके मन में डिप्रेशन का रोग लग सकता है। अब बात करते हैं राहु आपका नवम भाव में नीच का बैठा तो कैसा फल देगा। नवम त्रिकोण भाग्य और धर्म स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा तो भाग्य के स्थान में बड़ी चिंताएं रहेगी, भाग्य की उन्नति के मार्ग में हमेशा कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानियां आपको मिलती रहेगी, भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य के भरोसे ना रहे, क्योंकि नीच का राहु और नवम भाव में अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ से पांचवी दृष्टि लगन पर पड़ती है तो लगन को फायदा नहीं होने देगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, नवी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो गंगा स्नान या अपना राहु मंत्र का जाप करने से ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। अब बताने जा रहा हूँ राहु दशम भाव में बैठा है, दशम भाव में राहु योग कारक ग्रह बन जाता है, लेकिन धनु राशि है, गुरु की राशि है तो यहाँ मध्यम फल देगा आपको। दशम केंद्र पिता है, राजस्थान में नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में महान कष्ट का योग पाएगा, पिताजी का साथ नहीं मिलेगा, पिताजी का सहारा नहीं मिलेगा, उन्नति के मार्ग में बड़ी परेशानी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान में वृद्धि व्यापार में वृद्धि के कारक भी बनाएगा। राहु नीच का हो लेकिन दशम भाव योग कारक हो जाता है तो यहाँ पर राहु आपको पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट सरकार से भी आपको फायदा जरूर कर पाएगा। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो आपको लाभ जरूर करता है। मकर राशि का राहु 11वें भाव में राहु
आपको लाभ जरूर कराएगा। शेयर मार्केट में लाभ, व्यापार वृद्धि में लाभ, जॉब में प्रमोशन के लाभ, हर तरह से बेनिफिट जरूर कराएगा। यहाँ से पांचवी दृष्टि से उच्च राशि वृषभ राशि को देखेगा। इस राशि को देखने से जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उसके 10 गुना ज़्यादा राहु अचानक से अचानक आपको देखने को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पांचवी आपके सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, आपको शेयर मार्केट में जरूर लाभ करेगा। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होनी चाहिए और आपके दशम भाव के मालिक की मजबूत स्थिति जरूर होनी चाहिए। नवी दृष्टि आपके डेली रूटीन लाइफ बिजनेस लाइफ को देख रहे हैं, तो बिजनेस में बढ़ोतरी, डेली रूटीन लाइफ में अच्छे से अच्छे फल आपको जरूर देगा। बारहवें भाव का राहु आपको अस्पताल में खर्च करवाएगा, तरह तरह के नुकसान उठाने देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि का राहु है, बारहवें भाव का राहु है, तो आपको तरह तरह